कितने दिनों से है ये? करीब चार पाँच महीने से हमने इसका बहुत इलाज भी किया है। क्या लगा रही थी? कुछ दवा वा है आपके पास जो लगा रही थी? बच्चे के डॉक्टर ये मुंह के पास भी होता है कभी कभी? नहीं नहीं कभी नहीं, ये बस सिर्फ यहीं पे। और कहीं नहीं, ये रात में बहुत ज्यादा रोती है, इसे खुजली होती है। अभी इस समय दवा दे रही हैं? इस समय बंद दे दवा कर रहे थे लेकिन सब बंद कर दिए क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा ये लाल हो गया था पूरा। कुछ दवाएं जादुई दवाइयां होती हैं और उन्हें देते ही अचानक से रैशेस गायब जाते हैं। बहुत से लोगों ने जिन लोगों ने एलर्जी के लिए और इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए दवाइयाँ की होगी उन्होंने महसूस भी किया होगा। और वहीं कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिसमें कि समय बहुत लगता है। ये केस एक्रोडर्मेटाइटिस एंट्रोपैथिका कहते हैं हम इसे, ये जिंक की कमी से होता है और जैसे ही हम जिंक का सिरप देंगे ये एकदम से गायब हो जाएगा। इस बच्चे का इलाज चल रहा था फंगल इन्फेक्शन के लिए, फंगस की बहुत सारी दवाइयाँ दी गई, कई तरह के क्रीम लगाए गए लेकिन रैशेज वैसे के वैसे बने हुए हैं। क्योंकि ये दिखने में तो फंगस जैसे हैं लेकिन इसमें कुछ भी फंगस नहीं है, ये स्किन के अंदर का रिएक्शन है जिंक की कमी की वजह से रैशेज के रूप में दिखता है। और क्योंकि पैरों में दिखता है, एक्रल पार्ट का मतलब होता है कि पैर, तो पैरों पे ज़्यादा दिखता है इसलिए बोलते हैं एक्रोडर्मेटाइटिस एंट्रोपैथिका।